अकॉर्डिंग वो सारे एलिगेशन बेसलेस है, ऐसे ऐसे फॉल्स एलिगेशन, ऐसे ऐसे फॉल्स प्रूफ्स, ऐसे फॉल्स प्रूफ्स हैं जिनकी स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट्री हैं। आज वो कुछ कह रहे हैं, 10 दिन के बाद वो अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। जब स्टेटमेंट ही आपस में मैच नहीं कर रही, कॉन्ट्राडिक्ट्री हैं, आज कुछ हो जाती है कल कुछ हो जाती है, तो मेरे ख्याल से ये सब बेसलेस है। और हमारा ये विश्वास है कि हाईकोर्ट में जो गुरु जी हैं वो क्लीन विक्ट्री लेके आएंगे। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ दिव्या जी हैं जिनके साथ सीधी बातचीत दिखाते हैं। इनको क्या लगता है वुमन एम्पावरमेंट के लिए किस संस्था ने सबसे ज़्यादा काम किया है और क्या कंट्रीब्यूट किया है, जानते हैं दिव्या जी से बातचीत करके। दिव्या जी द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। दिव्या जी क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, MCA किया हुआ है मैंने। और दिव्या जी हम बात करते हैं आज वुमन एम्पावरमेंट के लिए, किस संस्था का आपको लगता है सबसे ज़्यादा योगदान रहा है वुमन एम्पावरमेंट? मेरे अकॉर्डिंग गुरुजी ने जितने स्टेप्स उठाए हैं वुमन एम्पावरमेंट के लिए, उतने शायद किसी भी सोशल रिफॉर्मर ने आज तक नहीं उठाए। उन्होंने गर्ल्स को इतना साउंड और इतना ऐसा करेक्टर फॉर्मेशन उन्होंने दिखाया है कि यू नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और इस चीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में उन्होंने गर्ल्स को आगे बढ़ाया, जैसे स्पोर्ट्स हो गए, एजुकेशन हो गई, यहाँ के जो इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स हैं वहाँ पे मेरिट होल्डर्स इतने, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मेरिट होल्डर्स आते हैं। और जो रही बात स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स में भी जैसे योगा हो गया, थ्रोबॉल हो गई, रोलर स्केटिंग हो गई, यहाँ के जो प्लेयर्स हैं वहाँ उन्होंने गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स ये लेके आते हैं, ये इनके लिए एक आम बात है। तो गुरुजी ने विमेन के लिए भी काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं। क्या मैम एक्चुअली में हमारी सोसाइटी को, जहाँ वुमेंस को इसका बेनिफिट मिला है डेरा सच्चा सौदा से? डेफिनेटली मिला है, और इसी वजह से वो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। अगर उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी हाइट्स अचीव की हैं तभी वो बार बार इसी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं। अदरवाइज तो हम अपने आप को ले लें, अगर हम अपने पीछे 10 लोगों को लगाते हैं तो 10 में भी इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 5 में टर्नड अप एंड 5 में नॉट कम, ठीक है ना। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में वेयर मोर देन करोड़, 6 करोड़ फॉलोअर्स हैं और वो रेगुलर, और जिनमें मोर देन करोड़ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एंड दे आर रेगुलरली कमिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इसका मतलब उनकी लाइफ में कुछ ऐसा पॉजिटिव चेंज हुआ है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी अचीवमेंट्स हुई हैं जिनका श्रेय सिर्फ वो गुरुजी को ही देते हैं। इसी वजह से वो रेगुलरली विजिट करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में और वो छोड़ने को इस ऑर्गेनाइजेशन को तैयार नहीं है, डिस्पाइट ऑफ सो मच ऑफ नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिव र्यूमर्स के बावजूद वो दे पीपल आर रेगुलरली कमिंग एंड विजिटिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब कुछ तो यहाँ पे होगा। एंड जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ नॉट एज अ फॉलोअर, बट आप वैसे ही यहाँ पे आके देखिए, विजिट करिए एक बार, आप आके देखिए एज अ टूरिस्ट प्लेस ही आप ले लीजिए। यहाँ पे इतने मिरेकल्स हैं, यहाँ पे 7 वंडर रिजॉर्ट है, वहाँ पे ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जिनको खुद गुरुजी ने ही डिज़ाइन किया हुआ है, आर्किटेक्ट किया हुआ है उन्होंने। जैसे फॉर एग्जांपल ताजमहल बना हुआ है और आईफिल टावर की बिल्डिंग बनी हुई है, एक शिप बिल्डिंग है बिल्कुल क्रूज की तरह। तो आप एज ए टूरिस्ट ही यहाँ पे आके देखिए और सच्चाई देखिए। क्या मैम आपको लगता है स्टिल करोड़ों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं? डेफिनेटली उनको फॉलो भी कर रहे हैं और उनकी टीचिंग्स को अपनी लाइफ में आगे लेके आ रहे हैं। गुरुजी ने हमें क्या अलग सिखाया? उन्होंने हमें ब्रदरहुड की फीलिंग सिखाई, ह्यूमैनिटी की फीलिंग सिखाई। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हम अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुरुजी ने इतने काम स्टार्ट किए, जैसे ट्री प्लांटेशन का काम है, ब्लड डोनेशन का काम है, और जैसे कि जितने भी बर्ड्स हैं उनके लिए पानी रखना, अपनी अपनी छतों पर पानी दाना रखना। अगर तुम्हें रोड पर कोई भी अगर एनिमल ऐसा मिल जाता है जिसको चोट लगी हुई है तो उसे इग्नोर नहीं करना, उसको हॉस्पिटल लेके जाएं, उसकी हेल्प करवाएं। तो यही सारे ह्यूमैनिटी के वर्क्स हैं जो गुरुजी ने बताया, और इनमें कुछ गलत भी नहीं। मुझे पता नहीं क्यों ये नेगेटिव र्यूमर्स, नेगेटिविटी इसने इतना खेल खेला कि मतलब उन्हें पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखी। आप देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन को मोर देन 10 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड मिल सकते हैं, या ऐसी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जैसी चीज़ें हैं, यहाँ पे मोर देन 200
रिकॉर्ड है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऐसे ही नहीं देता गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, या उनके हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर्स यहाँ आते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं कि वाकई इतना ब्लड डोनेशन हो रहा है, तब जाके एक रिकॉर्ड मिलता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को मोर देन 200 ऐसे रिकॉर्ड्स मिले हुए हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो किया ही होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में जो ऐसे रिकॉर्ड्स बने। और सबसे पहले बात आती है वुमेन्स की सेफ्टी की, आपको क्या लगता है सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स को लेकर डेरा सच्चा सौदा आश्रम में कैसा लगता है? मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन 10 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ। आई एम अ फॉलोअर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और मैं मोर देन टेन ईयर्स से आ रही हूँ यहाँ पे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो पर्सनली व्हाट आई फील इज कि दिस इज़ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस फॉर वीमेन एंड गर्ल्स इन द सोसाइटी। तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा सेफ प्लेस वीमेन के लिए और कोई भी नहीं है। तो आप पर्सनली आइए, विजिट करिए, एज ए टूरिस्ट ही विजिट करिए और ख़ुद देखिए कि सच क्या है। जो एलिगेशंस दूसरी तरफ सेंटर पर गुरमीत राम रिम सिंह चिंसा के ऊपर लगाए गए हैं, क्या लगता है? मेरे अकॉर्डिंग वो सारे एलिगेशन बेसलेस है। ऐसे ऐसे फॉल्स एलिगेशंस, ऐसे ऐसे फॉल प्रूफ्स, ऐसे फॉल्स प्रूफ्स हैं जिनकी स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट्री हैं। आज वो कुछ कह रहे हैं, 10 दिन के बाद वो अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। जब स्टेटमेंट ही आपस में मैच नहीं कर रही, कॉन्ट्राडिक्ट्री हैं, आज कुछ हो जाती है कल कुछ हो जाती है, तो मेरे ख्याल से ये सब बेसलेस है। और हमारा ये विश्वास है कि हाईकोर्ट में जो गुरु जी हैं वो क्लीन विक्ट्री लेके आएंगे। मैम 4 साल हो गए हैं वो सोसाइटी में नहीं है, आपको लगता है उनके ना रहने से कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी? डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप ये देखिए कि एक सोशल रिफॉर्मर है, ठीक है, उसने इतना पॉजिटिव देने की कोशिश करी समाज को, सोसाइटी को, विमेन एम्पावरमेंट के लिए किया और इंसानों में ब्रदरहुड की फीलिंग डाली, ह्यूमैनिटी की फीलिंग डाली। पहले हम इग्नोर कर देते थे, एक्सीडेंट हुआ है, कोई पड़ा है रोड पे, पड़ा है तो पड़ा है, हमें कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिसने इतना पॉजिटिव दिया, गर्ल्स में करेक्टर फॉर्मेशन करी, और हमने उनके साथ क्या किया? नेगेटिव हमने उन पर एलिगेशंस लगाए, हमने उनको फॉल्स एलिगेशंस में उनको ऐसे कर दिया, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से समाज को कितना कुछ देखना पड़ रहा है। आप देखिए सारा समाज अंदर कैद होके बैठ गया है सिर्फ एक कोरोना डिजीज़ की वजह से। कभी डेंगू चल रहा है, कभी कोरोना चल रहा है, कभी ब्लैक फंगस चल रहा है, ये सब क्यों सोसाइटी को फेस करना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि एक ट्रू सेंट जो कि पॉजिटिविटी देना चाहते थे सोसाइटी को, उनके साथ हमने कुछ गलत किया, कुछ नहीं काफ़ी गलत किया। ये सज़ा किसको मिल रही है एक्चुअली में, संत को या समाज को? ये मेरे ख्याल से इनडायरेक्टली सज़ा हम लोगों को ही मिल रही है, हम लोगों की ही करनी कुछ इस तरह की है जो हमें फेस करनी पड़ रही है। आप देखिए चाहे वो कोरोना की फॉर्म में हो, चाहे वो डेंगू की फॉर्म में हो, चाहे वो ब्लैक फंगस की फॉर्म में, ठीक है। और मेरे ख्याल से अभी और बीमारियाँ आती रहेंगी जब तक कि हम जस्टिस की तरफ नहीं जाते, जब तक कि हम उन ट्रू सेंट को जिन्होंने सोसाइटी में रिफॉर्म लाना चाहा, और वाकई मेरा दावा है वो इतने पॉजिटिव हैं कि वो अभी अंदर से भी उन्होंने अपील की है गवर्नमेंट से कि मैं अंदर से भी अगर कुछ सोसाइटी को सर्व कर सकता हूँ, कुछ डेडिकेशन कर सकता हूँ, कुछ काम कर सकता हूँ, तो देखिए वो कितने पॉजिटिव हैं। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से संत जी के लिए? मेरी यही स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ प्लीज़ आप, उन्होंने इतने सारे 135 वेलफेयर वर्क्स जो किए हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, आप उनको देखिए, उनका बिहेवियर देखिए, 4 साल से उनका बिहेवियर कैसा रहा है, प्लस उनकी डेडिकेशन कैसी रही है, कितने पॉजिटिव हैं वो, उन सब को देखते हुए आप ज़रूर एक बार इस डिसीज़न पे गौर करें। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों हम सीधी बातचीत कर रहे हैं पब्लिक के साथ, पब्लिक को लगता है कि जो वुमन एम्पावरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा योगदान रहा है वो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह चिंसा का है, और आज भी ऐसे संत की समाज को ज़रूरत है, जब से वह नहीं है तो ये सज़ा समाज को मिल रही है। वेल एजुकेटेड लोग जुड़ रहे हैं, आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।